आप सबका स्वागत है कांगला फोर्ट इम्फाल मणिपुर में, और यहाँ की कहानी शुरू होती है 33 एडी में नोंगदा लारियन पाखंगबा के साथ। बहुत ही ग्रेट रूलर थे मणिपुर के, और 33 एडी में कहते हैं ये फोर्ट बना, और तब से लेके 1891 एडी तक कांगला फोर्ट सेंटर था मिलिट्री पॉलिटिकल रूल का फॉर द एरिया अराउंड मणिपुर। कई दुश्मन आए, कई दुश्मनों को पीछे धकेला गया, कॉन्क्वेस्ट हुए, युद्ध हुए, बहुत ही रिच हिस्ट्री है, और अंदर है खूब सारी बिल्डिंग्स। जब आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे गाइड जो आपको गोल्फ कार्ट में घुमाएंगे और इस जगह के बारे में और बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इन साइड द फोर्ट, इसलिए मैं कहानी जो आपको बताऊंगा वो स्टिल्स में बताऊंगा, लेकिन अंदर चल के जगह आपको जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये है ऑलमोस्ट एक होली साइट सब लोगों के लिए। मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कांगला फोर्ट के लिए, अपनी रूलिंग डायनेस्टीज के लिए यहाँ पर मणिपुर में, और चल के अंदर देखते हैं उनकी हिस्ट्री, उनकी बिल्डिंग्स, उनके स्ट्रक्चर, और कैसे मणिपुर में ये कांगला फोर्ट बन के इतने कई सौ सालों तक डोमिनेंट रहा। अब हम है एक सॉर्ट ऑफ बोट हाउस में जिसका नाम है हिजागंग, बहुत सीक्रेट प्लेस है, जूते उतार की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं आपको यहाँ पर। और यहाँ पे हैं चार बोट्स, दो बोट्स हैं हियांग हिरेल यानी कि रॉयल फैमिली की बोट्स, और दो कॉमन पीपल के लिए एक और तना ही। तो ये बोट रेस फेस्टिवल में, बोट रेसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। लेफ्ट पे है मेल बोट जिसके ऊपर सींग थोड़े बड़े हैं, ड्रैगन बोट आप देख रहे हैं, बहुत लंबी बोट है 64 फुट लंबी। राइट पे है फीमेल बोट 62 फीट लॉन्ग, और ये रेसेस में लगाई जाती थी, और इसके पीछे बहुत ही रिच हिस्ट्री है। हर पॉइंट पे यहाँ पर आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, ब्यूटीफुल हिस्ट्रीज मिल जाएंगी, इनके बारे में बहुत जानकारी अवेलेबल है। ये साइन ज़रूर पढ़िए पॉज करके, और फिर यहाँ पर आके इसके बारे में और याद सीखिएगा और जानिएगा। और ये जो खूबसूरत स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फोटोज में, यह है इबुदु पाखंगबा। और खास बात इसकी क्या है, इबुदु पाखंगबा रूलिंग डेटी है मणिपुर के, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स तेंगबानबा मापू जो क्रिएटर हैं यूनिवर्स के, वो अपने तीनों बेटों में से एक को रूल देना चाहते थे, लेकिन शर्त ये थी उनकी कि जो भी धरती को 7 बारी रोटेट करके घूम के आएगा वापस, उसे मिलेगी रिवॉर्ड्स। तो उन्होंने 7 का महत्व बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो 7 पोस्ट्स हैं स्ट्रक्चर के आसपास, 7 सीढ़ियाँ हैं 2 सेट्स में ऊपर जाते हुए, 7 स्ट्रक्चर्स हैं एक ट्रायंगल बनाते हुए नीचे से, और फिर 7 लेवल्स ऑन टॉप। तो 7 का महत्व है, रूलिंग डेटी है, यहाँ पर लोग आके आज भी पूजा करते हैं, आज भी रिस्पेक्ट पे करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है देखिए। और ये खूबसूरत सिटाडेल जो है यहाँ पे सराउंडेड, ये पैलेस है, यहाँ से महाराज निकल के, जो रॉयल फैमिली थी वो यहाँ से निकल के इधर जाया करते थे श्री श्री गोविंदा जी मंदिर के लिए। 1846 में नरसिंह महाराज ने इसे बनाया था, और यहाँ पर गोविंदा और उनके कॉन्सॉर्ट राधा जो हैं उनकी मूर्तियाँ डैमेज हो गई थी टेम्पल कोलैप्स में, अर्थक्वेक में 1869 एडी में। लेकिन 1874 में महाराज चंद्रकृति ने इसे फिर बनाया, बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, अभी अंडर रिपेयर है, तो आपको फोटोग्राफ हम अच्छे से नहीं दिखा सकते इसकी। जब आप कांगला फोर्ट के अंदर चल के सदन गेट के पास आएंगे तो यहाँ पर है कांगला म्यूजियम, 1901 में बनाया गया था। अंदर जब आप जाएंगे, अगेन फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो हम बाहर से आपको दिखा रहे हैं कितना खूबसूरत है। अंदर पेंटिंग्स हैं रॉयल फैमिली की, किंग्स की, ब्रिटिशर्स की फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उनके थोड़े से वेपन्स हैं, छोटा सा म्यूजियम है लेकिन देखने लायक, और आप इसको यहाँ पर आके बहुत इंजॉय करेंगे। और यह है खूबसूरत वृंदावन चंद्रा टेम्पल, इसे टेम्पल ऑफ जुबराज टिकेंद्र जी भी बोला जाता है, जो यहाँ के एक रुद्राज थे। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, मेन सैंक्टम है, और उसके आसपास एम्बुलेटरी पैसेज है। अपर फ्लोर जो है श्राइन का, जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ऊपर, एक स्टीप फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स है, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो रिक्रिएशन में हिस्टोरिकल ग्लोरी के ये एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है जिससे आर्किटेक्चरल स्टाइल का पता चलता है। कांगला फोर्ट में जो अटेम्प्ट करा जा रहा है वो ये है कि जो पास्ट ग्लोरी थी, जो पिछली ग्लोरी थी, जिसे काफ़ी हद तक जब ब्रिटिश यहाँ पे रहे थे उन्होंने इसको बैरक्स बना दिया था, काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे तोड़ के डिमोलिश कर दिए थे, उनको धीरे धीरे रिक्रिएट करके वापस लाया जाए। तो पेनस्टेकिंगली पीस बाय पीस जैसी ग्लोरी थी कांगला फोर्ट की एक टाइम पे, वैसी की वैसी बनाने की कोशिश की जा रही है। कांगला फोर्ट में आप देखेंगे लोग आते हैं सुबह सुबह सैर करने के लिए, ग्रीन लंग्स हैं ये एक सिटी का इम्फाल के एक हिसाब से। हिस्टोरिकल बफ्स यहाँ पे बहुत आते हैं हिस्ट्री देखने के लिए, आर्किटेक्चर के फैंस बहुत आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वर्शिपिंग के लिए, टेम्पल्स के लिए लोग बहुत आते हैं। तो बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह है, एक सेंटर पॉइंट है जो सबको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ।
जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आपने देखा, यहाँ पर एक्सकवेशन जो हुई थी, वहाँ से जो मटेरियल रिमूव हुआ है, वहाँ से जो चीज़ें निकली, उनको आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। आगे जाके अब आपको एक दो और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं, पर जगह बहुत खूबसूरत है। जब भी आप इम्फाल में आए, इवन इफ जस्ट फॉर अ नाइस सिंपल वॉक, करीब हाफ डे यहाँ रखिएगा, 3 से 4 घंटे कम से कम अगर आप गाइडेड टूर ले रहे हैं इस जगह को रियली इंजॉय करने के लिए। और फिर 1891 में ब्रिटिश ने इस फोर्ट को टेक ओवर कर लिया, अपने बैरक्स बनाए, अंदर सोल्जर्स यहाँ रहा करते थे। बहुत स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तोड़ दिया गया, डिफेस कर दिया गया, किस लिए मुझे पता नहीं, पर यह सिचुएशन थी अंदर। और अब स्लोली स्लोली पीस बाय पीस बड़े प्यार से हिस्टोरिकल रेलेवेंस के साथ कांगला फोर्ट को अपनी ओल्ड ग्लोरी पर रिस्टोर किया जा रहा है। तो कांगला फोर्ट की ये बहुत खास बात है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं मणिपुर के यहाँ पर आसपास इम्फाल में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इस साइट से। आप भी जब आएंगे और अंदर जाएंगे, यू विल बी इम्प्रेस्ड विद हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। सिर्फ सैर करने के लिए सुंदर जगह नहीं है, हिस्ट्री बहुत है। जैसे जनरल स्लिम्स कॉटेज जो अभी आपने आपको दिखाया, यहाँ पर रहते थे, बहुत ही ग्रैंड कॉटेज है, एक फ्लैग स्टाफ हाउस समझ लीजिए जैसा होता है। ऑफिसर्स क्वार्टर्स भी आसपास थे यहाँ पर। तो सिचुएशन कांगला फोर्ट की बदलती रही, हिस्ट्री चेंज होती रही, और आज फाइनली कांगला फोर्ट धीरे धीरे अपनी पुरानी ग्लोरी की तरफ बढ़ रहा है, और इम्फाल की जगह, इम्फाल के अंदर, इम्फाल का दिल है, बिल्कुल हार्ट कह लीजिए आपको इसको, तो यहाँ पर आके ज़रूर देखना है आपने जब आप यहाँ पर आए। कांगला फोर्ट इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल प्लेस, आई होप यू एंजॉयड इट, क्योंकि यहाँ पर आके मणिपुरी प्राइड, मणिपुरी हेरिटेज और मणिपुरी हिस्ट्री का आपको आइडिया मिलता है, जिसका कांगला फोर्ट एक प्रतिबिंब है।